नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच वर्चस्व का संघर्ष आज पार्टी आलाकमान तक पहुंचा, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पाया। आलाकमान के बुलावे पर सिद्धू आज दिल्ली पहुंचे, 10 जनपद में सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ इसे लेकर ना तो सिद्धू ने मुंह खोला और ना ही हरीश रावत कुछ ठोस कह पाए। पंजाब कांग्रेस की कलह एक जगह पर आकर ठहर गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की फाइल फिर अटक गई। प्रदेश अध्यक्ष पद का मामला क्लियर होते होते फिर लटक गया। हरीश रावत का ताजा बयान सबूत है कि कैप्टन अमरिंदर जल्दी हथियार डालने वाले नहीं हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा आपसे बातचीत। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है, तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होने जा रहा है। और मैंने, मेरा आपको प्रॉमिस है, जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको। एक दिन पहले हरीश रावत कुछ और ही सिग्नल दे रहे थे। साफ कह रहे थे कि पंजाब में सुलह का फॉर्मूला तय हो गया है, नवजोत सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष का पद देने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे में ही पासा पलट गया। हरीश रावत के बयान के बाद भी अमरिंदर और सिद्धू खेमा अपने अपने समर्थकों के साथ कल मीटिंग करते रहे। कहीं से नहीं लगा कि सीज फायर की सूरत आ गई हो। पहले खबर ये आई थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, एक ब्राह्मण और दूसरा दलित समुदाय का। हरीश रावत ने भी समझौते की खबर को हवा दी। जरा सुनिए कल उन्होंने आज तक से क्या कहा था। हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे जी। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अब लगता यही है कि मसला अभी भी जस का तस है। गेंद अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पाले में है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। 10 जनपद में सोनिया गांधी और सिद्धू की मुलाकात में पंजाब प्रभारी हरीश रावत मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद रावत ने कहा कि आलाकमान से फैसले की जानकारी मिलने के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। 3 दिन में हरीश रावत ने 3 अलग अलग बयान दिए हैं। उनके बयानों से कभी लगा कि मामला सुलझ गया है और कभी ऐसा लगा कि मामला सुलझते सुलझते फिर उलझ गया। तो आपको हरीश रावत के 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन बीते दिन भी ऐसा लग रहा था कि सिद्धू और कैप्टन के बीच एक फॉर्मूला तय हो गया है, जिसको आलाकमान के साथ उनकी सहमति के साथ सुलझाया गया है। लेकिन आज फिर जैसे ही सिद्धू का वापस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का कार्यक्रम हुआ, तो एक बार फिर ये सुर्खियां आने लगी कि शायद बात अभी नहीं बनी है, कैप्टन अब भी अड़े हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में अपनी साख बचाने के लिए, पंजाब में अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान इन दोनों नेताओं के लिए क्या तय करता है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा आपसे। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है, तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होने जा रहा है। और मैंने, मेरा आपको प्रॉमिस है,
जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे जी। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा सर? लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, 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 मैंने मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा, अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। और पंजाब के बाद अब यूपी में सियासी और चुनावी